तूफान आने से पहले दोस्तों जितना सन्नाटा छाया हुआ रहता है, ठीक वैसे ही पिछले 2 दिन से मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है। अब ये तूफान कल के दिन आएगा या फिर एक्सपायरी के दिन, फाइनली आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे फ्री फायर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं, उस लिंक को क्लिक करके जरूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि जब जब तूफान आता है तब तब दोस्तों उस रैली को, उस जैकपॉट लेवल को मैं पकड़ के देता हूं, लाइव मार्केट में दोस्तों ट्रेड देता हूं। आज के दिन जितने भी मैंने लेवल शेयर किया काम क्लियरली नहीं दिए, कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही ज्यादा आज के दिन मार्केट वोलाटाइल था, लेवल ब्रेकआउट कर रहा था, डायरेक्शन सही था, लेकिन मूव जरा दिखे, इतना ज्यादा चॉपी मूव था। लेकिन आपको अच्छे से बताएं, जो लोग मेरे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं दोस्तों, उनको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जब जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, इवन कल के दिन भी डेफिनेटली हमने बाइंग का लेवल पकड़ा, हमने सेलिंग का लेवल पकड़ा, सब लाइव मार्केट में दोस्तों क्लियरली मेंशन करता हूं, सेल या फिर बाय करने के लिए आप जाके अभी कभी ज्वाइन हो जाइए। अब कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में क्या होगा वो हम एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन देखेंगे, क्योंकि यहां पे पता चलता है कि कौन से साइड तूफान आने वाला है। क्योंकि आज के दिन जिस तरीके से दोस्तों कॉल राइटर भागे हैं, इससे आपको पता चल ही गया होगा कि तूफान कौन से साइड आने वाला है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे फेस में स्माइल आता है, मोटिवेट में होता हूं कि यार वीडियो में बनाओ। और अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं देखा है तो पिन कमेंट में स्ट्रेटेजी दे दूंगा, जो पिछले दिन और उसके पिछले हफ्ते अपलोड किया था। हर दिन दोस्तों स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे काम देने वाला है। तो चलिए अभी कभी शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। पहले देखते हैं बैंक निफ्टी, उसके बाद निफ्टी एंड देन फिन निफ्टी, ठीक है, एंड ऑप्शन चेन पे चले जाएंगे। तब देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं कल के दिन, सिंपल एंड क्लियर व्यू। अगर कल के दिन फ्लैट या फिर गैप अप खुला और 45,113 के ऊपर अगर जाना चालू किया, देन डेफिनेटली दोस्तों हम कॉल बाय करेंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए 45,113 अगर मैं लेवल कहूं तो यहां पे देखिए पहला रेजिस्टेंस नंबर 1 जहां से मार्केट नीचे गिर गया, ये अगर देखेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस नंबर 2 जहां से मार्केट फिर नीचे गिरा, यहां पे देखेंगे तीसरी बार सेम रेजिस्टेंस को मार्केट टच किया एंड देन डाउनफॉल। आज के दिन तो दोस्तों ऑलमोस्ट 4th टाइम ये रेजिस्टेंस को टच कर चुका है एंड देन डाउनफॉल। तो दोस्तों यही तूफान आने से पहले सन्नाटा है, क्योंकि ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस 4 बार टेस्ट हो चुके हैं। तो कल के दिन अगर फ्लैट खुला और थोड़ा सा हायर हाई पोजीशन बना के, लाइक कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बना के, जैसे ही 45,113 लेवल को ब्रेकआउट देता है तो आराम से दोस्तों आपको 100-200 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा। और 45,256 अगर ब्रेक करता है तो और भाई 200 पॉइंट का आपको मूव इजीली देखने को मिलने वाला है। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊंगा, रुकिए, तो ये तो आपको रीजन समझ में आ गया बाइंग का, क्योंकि धीरे धीरे साइडवेज होकर ना स्क्वीज होता जा रहा है। देखिए आराम से ये 2 दिन ट्रेंडिंग मार्केट था, अच्छा पैसा कमाया, सब हैप्पी थे, पूरे टॉप से, ये टॉप से मैंने लाइक रैली पकड़े थे। और जो लोग फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे हैं उन लोगों को पता है। अब दोस्तों साइडवेज मार्केट है, पहले फिर वोलाटाइल हो गया एक दिन, फिर साइडवेज, अब आएगा मजा दोस्तों। क्योंकि शुक्रवार वोलाटाइल था, मंडे ट्यूजडे हो गया है साइडवेज, देन डेफिनेटली अब एक ट्रेंडिंग मूव आएगा तो ऊपर की तरफ आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसकी रीजन मैं बताऊंगा, रुकिए सेल साइड का रीजन बताता हूं फिर बताऊंगा आपको। तो दोस्तों सेलिंग की अगर मैं बात करूं, सेलिंग साइड भी तूफान आ सकता है। अगर कल के दिन फ्लैट या फिर गैप डाउन खुला और 44,796 के नीचे आना चालू करता है तो बिल्कुल हम सेल करेंगे। बट कंडीशन क्या है, कल के दिन फ्लैट गैप डाउन खुलना चाहिए, नीचे आएगा, यहां पे थोड़ा ऐसे रिट्रेस करेगा, देन अगेन ब्रेक डाउन दे रहा है, बिल्कुल आप सेल कीजिए। इसके पीछे पहला रीजन है दोस्तों ट्रेंड लाइन, ब्लू कलर का अगर आप देखेंगे, 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, ये दोनों ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन नंबर 1-2 को देखिए जरा, एक बार इसी यहां पे प्राइस टच हुआ था ऊपर गया था, दूसरी बार अगर देखेंगे दोस्तों यहां पे प्राइस टच हुआ था ऊपर गया था, तीसरी बार देखेंगे दोस्तों इसी प्लेस के आसपास टच हुआ प्राइस ऊपर गया, चौथी बार भी देखेंगे आज के दिन आखिरी 15 मिनट में भी टच हुआ एंड देन ऊपर गया। तो कल के दिन अगर समझ लीजिए फ्लैट या फिर गैप डाउन खुला, जैसे ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा, सीधा सीधा मतलब है कि ट्रेंड स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और 44,796 अगर देखेंगे कंप्लीटली सपोर्ट जोन है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पे देखिए, एक बार प्राइस टच किया, देखिए ऊपर उछल रहा है, दोबारा प्राइस टच किया ऊपर उछल रहा है, यहां पे देखिए कितनी बार, 10 से 11 बार दोस्तों ये सेम लेवल के आसपास प्राइस टच कर रहा था और बार बार यहां से झटका खा रहा है ऊपर की तरफ। तो यहां पे कहीं ना कहीं बायर एक्टिवेट है, सब बायर का एसएल इसके नीचे रहेगा। तो कल के दिन अगर समझ लीजिए गैप डाउन खुल के जैसे ही इसके नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे। बट सच बताऊं, अगर मैं पूरा ड्राइंग को रिमूव कर लूं दोस्तों, बाइंग साइड क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे अगर देखेंगे ऑलमोस्ट दोस्तों एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 4 बार टेस्ट हो चुका है, ठीक है, तो बाइंग साइड प्रोबेबिलिटी बहुत है। और यहां पे अगर देखेंगे लाइक हायर हाई पैटर्न बनाते जा रहा है, यहां पे ध्यान से अगर देखेंगे दोस्तों हायर हाई पैटर्न बना रहा है, कभी भी अगर आप देखेंगे ये लो को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी, हायर हाई बनाता जा रहा है। तो जैसे ही इसको ब्रेक
ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है 500 से 800 पॉइंट का, तो उसको मत छोड़िए, क्योंकि दो दिन ब्रेकआउट फेल होगा, तीन दिन, लेकिन पांच दिन में सक्सेसफुल जरूर होता है। और अगर देखिए ये लो कभी भी नहीं टूट रहा है, यानी कि दोस्तों सब बायर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है, सब बायर का जो एसएल है इस लो के नीचे रहेगा। अचानक अगर कल के दिन गैप डाउन खुला या फिर खुल के एग्रेसिवली नीचे आने लग गया, तब भी दोस्तों नीचे आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वीज हो चुका है। नीचे से अगर देखेंगे स्क्वीज हो चुका है, ऊपर से स्क्वीज हो चुका है दोस्तों, एक रेंज के अंदर कहीं ना कहीं एक समोसा पैटर्न में कहना चाहूंगा बन चुका है, तो कल के दिन ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा, या फिर चलो कल के दिन भी अगर मार्केट तड़पा दिया तो डेफिनेटली एक्सपायरी के दिन आपको कहीं ना कहीं मूव देखने को मिल सकता है। इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब जल्दी देख लेते हैं ऑप्शन चेन, 44,982 ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज दिया है बैंक निफ्टी। अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये हमारा कॉल राइटर, ये हमारे पुट राइटर। अब दोस्तों देखिए 45,000 कॉल राइटर का काम है हमेशा रेजिस्टेंस क्रिएट करना। अगर आप यहां पे देखेंगे 45,000 के लेवल पे ही 14,00,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, 14,00,000 से ज्यादा दोस्तों कॉल राइटर बैठे हैं, बाकी जितने भी कॉल राइटर हैं यहां पे तो दोस्तों मैं आपको कहा कि भाई कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पे देखेंगे सारे कॉल राइटर आज के दिन भागे। आप अगर चार्ट को जाके देखेंगे तो यहां पे देखेंगे तो आज कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, बिल्कुल ही वोलेटाइल मार्केट था, एक रेंज के अंदर था, कल जैसे रेंज के अंदर था आज भी वैसा था, फिर भी कॉल राइटर भाग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है ना। कॉल राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि अपर लेवल पे बार बार सस्टेन कर रहे हैं, इसलिए आज अगर देखेंगे माइनस में सारे कॉल राइटर भागे हैं, तो 14,00,000 से ज्यादा कॉल राइटर 45,000 के लेवल पे है, उसके 45,000 के ऊपर कल भी सस्टेन किया तो मार्केट हो जाएगा बुलिश। नीचे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नीचे से बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग है, 45,000 के लेवल से नीचे से भी 26,00,000 पुट राइटर, उसके नीचे 12,00,000, उसके नीचे 9,00,000, कंप्लीटली पुट राइटर कहीं ना कहीं ताकतवर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और कॉल राइटर भाग चुके हैं। पुट राइटर भागते हुए दिखे क्या? बिल्कुल नहीं, सारे कॉल पुट राइटर अगर आप देखेंगे यहां पे हैं, तो कल के दिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो कन्विक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों निफ्टी का, निफ्टी भी वही सिचुएशन में फंसा है, ये भी कहीं ना कहीं साइडवेज है, और ठीक है बैंक निफ्टी से तो कम से कम कुछ अच्छा मूव दे ही रहा है, डाउनसाइड का थोड़ा दिया बट कुछ खास नहीं। अच्छा मूव किसे बोलते हैं? जो ये मूव दे रहा था दोस्तों, क्लियर मूव दे रहा था, वैसे मूव नहीं दे रहा है। फिर भी अगर कल के दिन फ्लैट गैप अप खुला, 19,635 के ऊपर जाना चालू किया, तो बिल्कुल हम कॉल बाय करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है, 19,635 अगर आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट नीचे गिरा था, सेकेंड टाइम अगर देखेंगे दोस्तों डॉट ये एक रेजिस्टेंस है जहां से फिर मार्केट नीचे गिरा था। अब अगर कल के दिन फ्लैट या फिर गैप अप खुला और जैसे ही इसी रेजिस्टेंस के ऊपर आना चालू किया, देखिए ये एक रिजेक्शन एरिया है, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताया था ना, ये संडे अपलोड किया हूं स्ट्रेटेजी, दो दिन पहले आप जाके देख सकते हैं, वो कल रिजेक्शन एरिया ये था, ब्रेकआउट दिया, हमने प्रॉफिट किया स्ट्रेटेजी के हिसाब से और प्रॉफिट बना भी, तो एक रिजेक्शन एरिया जहां से एक बार प्राइस घुमा, दो बार प्राइस घुमा, तो कल के दिन फ्लैट गैप अप खुला, आपको पता है ना 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्ट्रेटेजी नहीं पता है तो आप जाके देख लीजिए, यहां पे एक्सप्लेन करूंगा तो फिर देखो टाइम बहुत हो जाएगा दोस्तों, तो मैं पिन कमेंट में तो दे ही दूंगा वो स्ट्रेटेजी का वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू। तो अगर कल के दिन फ्लैट या फिर गैप अप खुला और 19,635 के ऊपर गया तो डेफिनेटली हम बाय करेंगे। इसके पीछे रीजन नंबर वन तो पता चल गया कि ये एक रिजेक्शन जोन है दोस्तों, जहां से मार्केट दो बार रिजेक्ट कर चुका है पहले भी और आज भी। ऊपर से अगर देखेंगे जो ट्रेंड लाइन है रेड कलर का, एक बार ट्रेंड लाइन टच किया डाउन गया, दूसरी बार अगर देखेंगे ट्रेंड लाइन दूसरी बार ये टच किया डाउन गया, तीसरी बार अगर देखेंगे टच किया डाउन गया, तो कल के दिन अगर फ्लैट गैप अप खुला और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया डेफिनेटली हम कॉल बाय करेंगे, ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दे देगा और रेजिस्टेंस जोन भी, ओके। और अगर कल के दिन दोस्तों मजा कब आएगा, अगर 19,678 ब्रेकआउट दे देगा तो फिर मजा ही आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे गैप फील होने वाला है। अगर मैं बात करूं दोस्तों डाउन की तरफ, कल के दिन गैप डाउन खुला और 19,531 के ऊपर, सॉरी इसके नीचे सेल करना मैं प्रीफर करूंगा, और 19,531 का लेवल दिया था ना जुलाई मार्केट में, इसके नीचे ही सेल कीजिए बोल के, जब मार्केट नीचे आ रहा था फिर मैं सोचा कि इसके नीचे आएगा तो ही मजा आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, साइडवेज हो गया। तो 19,531 का लेवल देखेंगे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ओके, ये सेकंड बार रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर गैप अप खुला तो इसको सपोर्ट मिला, ऊपर गया फिर सपोर्ट मिला ऊपर गया, तो कल के दिन अगर गैप डाउन खुला और इसके नीचे आता है देन डेफिनेटली दोस्तों आपको डाउनफॉल की ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। 19,531 के नीचे आप डाउन साइड का मूव प्लान कर सकते हैं, बट कम क्वांटिटी में बाइंग की तरफ मिला तो आराम से आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं। 19,570 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पर, और यहां पे दोस्तों भी कहीं ना कहीं मजा आने वाला है, क्योंकि ट्विस्ट दिख रहा है,
यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिंपल बात है दोस्तों, अगर आप ध्यान से ऑप्शन चेन को स्टडी करेंगे, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ ऊपर की तरफ थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि देखिए जो लाइक बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन था वहां पे अच्छा खासा कॉल लेटर भागे थे, बट यहाँ पे थोड़े मोड़े कॉल लेटर भागे हैं, बट यहाँ पे अगर देखेंगे क्लोज दिया है 19,570 पे। अब 19,570 पे क्लोज दिया है तो 19,600 हमारा बनेगा रेजिस्टेंस। ऑब्वियस ही बात है ऊपर लेवल पे देखिए 68 लाख से ज्यादा कॉल लेटर बैठे हैं, और 19,650 पे अगर देखेंगे दोस्तों 53 लाख से ज्यादा कॉल लेटर बैठे हैं, 19,700 पे देखेंगे तो 29 लाख कॉल लेटर बैठे हैं। तो 19,600 कल के दिन डिसाइडिंग लेवल रहेगा, क्योंकि वहां पे ह्यूज कॉल लेटिंग हुआ है 68 लाख का। यहां पे कॉल लेटर भागते हुए नहीं नजर आए, थोड़ा सा कॉल लेटर भागे, बट 19,600 पे 68 लाख कॉल लेटर, 19,550 पे दोस्तों 37 लाख कॉल लेटर। तो अगर 19,600 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो आराम से कल के दिन बाजार आपको ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा, निफ्टी में बुलिश मूव अच्छा खासा आ सकते हैं अगर 19,600-650 के ऊपर जाता है। तो नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पे देखिए आज के दिन निफ्टी कहीं ना कहीं डाउनफॉल ज्यादा दिखा रहा था, यानी कि निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं था, इसीलिए पुट राइटर भी भागते हुए नजर आए दोस्तों। अगर आप देखेंगे -4 लाख पुट राइटर, नीचे वाले लेवल पे -1 लाख पुट राइटर भागे हैं, और अगर हैं भी तो भी 3 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 5 लाख पुट राइटर हैं, तो कुछ खास नहीं है। मतलब आज के दिन देखेंगे निफ्टी और फिन निफ्टी ठीक ठाक था, ओके था, साइडवेज होके भी बुलिश मूव दे रहा था, पर निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ढीला होता हुआ दिख रहा था। तो निफ्टी में 19,600 के नीचे अगर देखेंगे 19,600 पे ही 25 लाख से ज्यादा आप कहीं ना कहीं पुट राइटर बैठे हैं, तो 19,600 या फिर 550 के नीचे सेल, और 19,600-650 के ऊपर हम बाइंग साइड ही देखेंगे। अब जाले जाते हैं दोस्तों सीधे फिन निफ्टी में, क्योंकि फिन निफ्टी बड़ा बोरिंग एक्सपायरी था दोस्तों आज के दिन, लिटरली आपको भी बहुत तकलीफ हुआ होगा, मैं सारा ड्रॉइंग रिमूव कर लेता हूं। और फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये क्या था, मतलब रियली एक्सपायरी मूव था, लिटरली आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये मूव था एक्सपायरी का आज का दिन का। शुरू यहां पे हुआ इतना चौपी, इतना एसएलिट सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एसएलिट, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर कहीं आज के दिन इस मोमेंट को मजे किए होंगे, क्योंकि अजय ऑप्शन बायर नहीं, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट दिन था। बहुत कोशिश करने के बाद भी दोस्तों कुछ पैसा इतना कुछ खास मिला नहीं। यहाँ पे मैं अपने पेड़ वाले ग्रुप पे भी कुछ कॉल वगैरह दिया था, यहाँ पे कुछ मिल रहा था 17 पॉइंट, बट नहीं, अगेन कहीं ना कहीं एसएल कॉस्ट हिट हुआ, तो मजा ही नहीं आया। तो होप कल के दिन, उम्मीद करते हैं कि अच्छा जाए। तो कल के दिन पहला ट्रेड में कहना चाहूंगा दोस्तों, आपके सामने लेवल ड्रॉ कर लिया, और वो है सीधी सीधी बातें क्लियरली दिख रहा है 20,133 के ऊपर जाता है तो ही हम बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पहला रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट नीचे गिरा, फिर दूसरी बार ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया, तो सेकंड रेजिस्टेंस था। ऑलमोस्ट सेकंड रेजिस्टेंस को आज के दिन ब्रेकआउट देके क्लोज हुआ है फाइनली फिर निफ्टी, तो थोड़ा स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कल के दिन 20,133 के ऊपर जाता है तो ये हाई तक आप टारगेट रख सकते हैं, 20,244 तक ये अगर निकलता है तो ही हमें कहीं ना कहीं अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। नीचे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कंप्लीटली वोलेटाइल, इसमें कोई मूव ही अच्छे से नहीं पकड़ में आ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो जो ट्रेंड लाइन है वो भी कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी नहीं आ रहा है, मतलब यार कुछ हम अच्छा करें, मतलब एक प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखे बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे लिए तो यही लेवल रहेगा कि अगर आप देखेंगे जो यहां से एक बार बार सपोर्ट लेते जा रहा है, तो कल के दिन अगर गैप डाउन खुला, देखिए ये फिन निफ्टी को ट्रेड ही क्यों करना, कल के दिन अगर गैप डाउन खुला तो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लेंगे, फिर भी 19,981 के नीचे ही हम सेल करेंगे, क्योंकि यहां पे देखेंगे दोस्तों बार बार सपोर्ट बना के ऊपर गया है और ऑलरेडी ये सपोर्ट टेस्टेड हो चुका है। तो कल के दिन बस गैप डाउन खुलना चाहिए, दो बड़े बड़े रेड कैंडल मारा नीचे, जैसे ही ब्रेक डाउन किया दोस्तों डेफिनेटली हम सेल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, और चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।